इस तरह का इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर से काइन मास्टर डाउनलोड करके खोल लें। मेरे मोबाइल में पहले से है तो हम खोल ले रहे हैं। खोलने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद 16:9 पर क्लिक करना है, उसके बाद इमेज एसेट्स पर क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैक कलर का स्क्रीन ले लेना है, फिर येलो येलो जहाँ दिख रहा वहाँ फिंगर रख के थोड़ा ड्रैग कर लेना है, थोड़ा बढ़ा लेना है। तो ड्रैग करने के बाद म्यूजिक पर क्लिक करें, म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद सॉन्ग पर क्लिक करके एक इंट्रो म्यूजिक ले लेना है। और हम आपको इस इंट्रो वीडियो का भी म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लैक वाला लेयर पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ट्रिम पर करके ट्रिम कर लेना है जितना म्यूजिक का लेयर लंबा है उतना। तो उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद डाउनलोड फाइल पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक डाउनलोड किया गया है इंट्रो उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर उस पर आपको स्लिप स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है, फुल स्क्रीन चुन लेना है, तो आप ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो हम आपको इसके लिए भी एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप अपने इंट्रो वीडियो के लिए इस तरह का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियो देखने के लिए। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है और ओपेसिटी को 100 ही रहने देना है। फिर इसके बाद आपको लेयर में क्लिक करना है, फिर मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको जिस फाइल में लोगो है वहाँ से फाइल से लोगो ले लेना है। लोगो लेने के बाद अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए सेंटर में। अगर आपको लोगो बनाने के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। फिर इसके बाद अच्छा से इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपका वीडियो का इंट्रो अच्छा बने। फिर इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया के पास जाने के बाद आपको इमेज एसेट्स पर जाना है, यहाँ से ब्लैक कलर का फिर से स्क्रीन लेना है, तो फिर आपको ब्लैक लेयर पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर इसको अच्छा से बढ़ा लेना है, उसके बाद आपको क्रॉपिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अच्छा से चरकुटा इस तरह से कर लेना है, उसके बाद इसको ऑन कर देना है क्रॉपिंग को। क्रॉपिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पर शेप आएगा, यहाँ पर शेप आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद शेप लेने के बाद आपको यहाँ फिर उसके बाद फीडर को आप 23 पर कर दीजिए। फीडर को 23 पर करने के बाद आपको अच्छा से सेंटर पर रख लेना है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है और अपना लोगो पूरा कवर कर लेना है इससे। तो इस तरह से अच्छा से सेंटर पर करने के बाद आपको इस पर इस तरह से रोटेट कर लीजिए। फिर उसके बाद इस तरह से रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस अगर आपको एक चाबी का आइकॉन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको इसको आगे घसकाना है और स्क्रीन पर भी आगे थोड़ा सा घसकाना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे लेयर को घसकाना है, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन पर भी थोड़ा सा घसकाना है। इस तरह से आप घसकाते जाइए, लास्ट में पूरा स्क्रीन से बाहर कर दीजिए। इस तरह से आपका एक एनिमेशन हो जाएगा तैयार। तो आप एक बार चला के देख लीजिए अच्छा से एनिमेशन बना है कि नहीं। फिर इसके बाद आपको लेयर पे जाना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम बढ़िया से लिख लेना है। तो बढ़िया से लिखने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट ले लेना है, फॉन्ट पर क्लिक करके तो बढ़िया सा फॉन्ट लेने के बाद आपको लोगो के नीचे सेंटर में इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से अच्छा से एडजस्ट करने के बाद आगे पीछे करने के बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद वीप राइट पर क्लिक करना है।
वीप राइट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना है और दो पर कर देना है। इसके बाद फिर आपको लोगो वाले लेयर पर क्लिक करके लोगो के लेयर को आगे थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से, और बढ़ाने के बाद आपको टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले लेयर को ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ ट्रिम राइट करना था, ट्रिम लेफ्ट हो गया है, तो गलत हो गया है, तो अब इसको अंडू करके बढ़िया से कर लेते हैं। तो आपको भी इस तरह से ट्रिम राइट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना इंट्रो चला के देख लेना है कि अच्छा से बना है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि आप एनिमेशन खत्म होने के बाद थोड़ा देर के बाद लोगो आ रहा है जो कि ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा लोगो के लेयर को आगे बढ़ा लेना है और एनिमेशन जो कि लोगो के ऊपर लगा उसको भी आगे बढ़ा लेना है। बाद आपको थोड़ा सा टेक्स्ट वाले लेयर को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है जहाँ पे आपका एनिमेशन खत्म होता है लोगो के ऊपर वाला। फिर आपको इसके बाद टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले लेयर को थोड़ा सा राइट आगे बढ़ा लेना है। तो इस तरह से बढ़ाने के बाद आपको फिर से लोगो वाले लेयर पर क्लिक करना है। तो लोगो वाले लेयर पर क्लिक करके टाइमलाइन को लोगो वाले लेयर के एंड में कर लेना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट को ट्रिम कर लेना है। फिर एक बार चला कर देख लेना है कि आपका इंट्रो अच्छा से बना है कि नहीं। तो अब मेरा इंट्रो तैयार हो गया, और आप भी इस तरह से इंट्रो तैयार कर सकते हैं अपने लिए। और अब आपको राइट कॉर्नर पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ सेटिंग को बदल भी सकते हैं। अगर नहीं बदलना चाहें तो आप यहाँ सेव एज वीडियो पर क्लिक करके गैलरी में आप वीडियो सेव कर सकते हैं।